अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। मैं एशियन ट्रेड टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आके आज यहाँ हमारा इंटरव्यू किया। हमारा मैसेज जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड के अंदर वो दे रहे हैं। दे डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड विश देम ऑल द बेस्ट इन देयर एंडेवर्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ, प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, एशियन ट्रेड टीवी हमेशा पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को इंटरनेशनली प्रमोट करता है, पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशंस को, उनके हेड्स को, उनके अच्छे काम को दुनिया में हम दिखाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो लोग अच्छा वर्क कर रहे हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह पर रहते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनकर और वो सर्व कर रहे हैं, उनके काम को इंटरनेशनली दिखाया जाए और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज मैक्सिमम प्रमोट किया जाए। आज इसी सिलसिले में एक ऐसी जगह मैं मौजूद हूँ, एक ऐसे अदारे में जो एक मसाली अदारा बन चुका है, पंजाब का एक अदारा है, जिनके एक बड़ी यंग डायनामिक पोजीशन लेते हुए एक पर्सनैलिटी ने इसका चार्ज जब संभाला तो उस वक्त शायद इस अदारे के हालात और वाकयात अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बाद देखते देखते अंडर द सुपरविजन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और अंडर सुपरविजन मिस्टर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस अदारे के लिए आज तक अभी तक बहुत कुछ किया है। नाज़रीन, जब हम दुनिया की बात करते हैं, चाहे जापान हो चाहे चाइना हो, जब इंटरनेशनली वर्ल्ड की बात करते हैं, तो उस मुल्क की तरक्की का जब राज जाना जाता है तो वहाँ के स्किल्स पर्सन होते हैं। चाइना ने जो तरक्की की है उसमें उसके स्किल्स पर्सन का बहुत ज़्यादा हाथ है। और आज ज़रूरत भी हमारे यहाँ लीडरशिप से लेकर यहाँ तक हमारे मुल्क में इस चीज़ की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स पर्सन को प्रमोट करें, उनको सिखाएं, हुनर सिखाएं और हुनरमंद बनाएं। तो इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हुनरमंद नौजवान के नाम से और डिफरेंट प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए हुए हैं। जी हाँ, आज मैं मौजूद हूँ टैफ्टा में, उनके ऑफिस में, और मेरे साथ मौजूद है चेयरपर्सन टैफ्टा मिस्टर अली सुलेमान, जो किसी तारीफ के मुहताज नहीं। आइए आज हम जानते हैं ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र की कहानी अली सुलेमान साहब के साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? ठीक है, वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक। थैंक यू। और मेरी आज ख्वाहिश थी कि इतने डायनेमिक पर्सन को कवर किया जाए और जाना जाए कि वाकई टैफ्टा के मौजूदा हालात और वाकयात क्या है। आप प्लीज़ थोड़ा सा ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में थोड़ा सा टैफ्टा से हम स्टार्ट करते हैं। जब आपने इसको ज्वाइन किया तो तब के हालात और वाकयात और आज ये थोड़े से अरसे में जो माशाल्लाह इतना अच्छा काम हो रहा है, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं, लोगों को पता नहीं है अमूमन लोगों को कि टैफ्टा, पहली बात तो लोगों को ये भी नहीं था टैफ्टा क्या है और ये क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है और इसमें क्या क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिटेल के साथ बताइए प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एट योर शो। टैफ्टा पंजाब बेसिकली स्टैंड्स फॉर टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, यानी कि जो स्किल्स हैं पंजाब के अंदर अपने स्टूडेंट्स को जो हैं जो देने होते हैं वो टैफ्टा प्रोवाइड करता है। सो टैफ्टा जो है वो 1999 के अंदर बना था। सात डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो अटैच थे स्किल देने वाले डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, उनको इकट्ठा करके 99 में इसको बनाया गया एंड 2010 के अंदर थ्रू एन एक्ट ये बेसिकली एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन जो बनी गई। और इसका मकसद यही है कि पंजाब के अंदर बेसिकली इनके 403 इंस्टीट्यूट्स हैं जो टेक्निकल एंड वोकेशनल साइड के ऊपर हैं और वहाँ स्किल्स की ट्रेनिंग देनी। अनफॉर्चुनेटली पिछले जो साल थे टैफ्टा के, उसके अंदर फोकस जो है वो स्किल देने पे और एक नंबर गेम पे ज़्यादा रहा है कि जी 94,000 स्टूडेंट्स इन 403 इंस्टीट्यूट्स हैं, 150 स्किल जो हैं, 150 कोर्सेज उनको कराना है एंड जो क्वालिटी है वो स्टूडेंट की वो उस तरह की नहीं निकल सकी। जो कि जब मैं आया बेसिकली अगस्त के अंदर, मिड अगस्त के अंदर आई केम टू चार्ज एज द चेयरपर्सन
सो आते ही बेसिकली जब मैंने प्रेजेंटेशंस वगैरह लेना शुरू की, मैंने कहा जी बताएं, सो व्हाट आई फिगर्ड के इट्स अ ह्यूज इंस्टीट्यूशन, मतलब 403 मतलब आपके हैं, 1,00,000 स्टूडेंट आप उनमें पढ़ाते हैं, 10,000 से ऊपर आपका टीचर्स एंड स्टाफ है. सो बट जो मेन एक प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि ये आप जो तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो किस लिए कर रहे हैं? इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं. तो इंडस्ट्री को ओनरशिप लेनी चाहिए. जब मैंने इंडस्ट्री से जाके बात की, उनके मेन प्लेयर से और एसोसिएशन से, सो टेफ्टा को वो उस नज़र से नहीं देखते थे, बिकॉज दे यूज्ड टू से कि जी टेफ्टा जो है वो बेसिकली उस तरह की क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो हमें ज़रूरत है. और टेफ्टा के बच्चे आते भी हैं, कुछ बहुत अच्छे भी हैं जो अपने सर के ऊपर काम कर लेते हैं, दे आर सम कोर्सेज जो कि बेहतर हैं, बट मेजॉरिटी जो है वो अपना लिंकेज विद द इंडस्ट्री बहुत वीक था. तो इस सारे को हमने देख के बेसिकली जो है वो ये कहा कि जी अब टेफ्टा हैज़ टू कम अप विद अ न्यू विजन, एंड दैट विजन इज बेसिकली गोइंग टू बी बेस्ड ऑन क्वालिटी. ओके, सो उसको देखते हुए हमने अपना जो नया विजन बेसिकली अपना मुरतब किया, उसके अंदर अब क्वालिटी डिमांड ड्रिवन स्किल, यानी कि हमने डिमांड ड्रिवन स्किल देना है, जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके मुताबिक स्किल देना है, ना कि जो हम पुराने कोर्सेज भी कराई जा रहे हैं जिसकी आगे डिमांड नहीं है, उसको हमने फोकस नहीं करना, बल्कि उनको हमने चेंज करना है और इंडस्ट्री के साथ मिल के बैठ के कलेबरेशन के साथ आगे के कोर्सेज चलाने हैं. अब वो क्वालिटी जो है वो किस तरह मेंटेन होगी, तो उसके लिए हमने फिर इंटरनेशनल मॉडल्स जो हैं उनको पढ़ा, और एक जो इस वक्त 130 ममालिक में स्किल मेथोडोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, विच इज़ कॉल्ड द कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट CBT&A, जो कि हमें नैफटेक ने भी कहा हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने भी फंडिंग यहाँ 2015 से शुरू थी फॉर $10 million के जी आप CBTA के ऊपर मूव करें. और CBTA पे मूव करने का ये जो मेन पर्पस ये था कि आप एक क्वालिटी लेके आएंगे, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन होगी, और लैब्स एंड इक्विपमेंट्स जो हैं वो हमारे इदारों में अपग्रेड होंगे. तो वो आते ही हमने बेसिकली पॉलिसी डिसीजन ली, जो पैसे वर्ल्ड बैंक के थे उसकी हमने प्रोक्योरमेंट कराई, एंड इंशाल्लाह मार्च 2020 के अंदर 83 इंस्टीट्यूट्स के अंदर हमारे वो लैब एंड इक्विपमेंट आ जाएगी. उसी को मैच करते हुए जो अपना यूरोपियन यूनियन GIZ जो जर्मन डोनर्स एंड यूरोपियन डोनर्स हैं, उन्होंने भी हमें 100 लैब्स जो हैं वो भी बेसिकली दे आर गिविंग अस, एंड दैट टू विल बी ऑपरेशनल बाय मार्च 2020 एंड अप्रैल 2020. सो हमारा फोकस जो है क्वालिटी का, वो बेसिकली डायरेक्शन हमने पकड़ ली है. ओके, तो पहला पार्ट तो क्वालिटी का था, उसके अंदर ये अब CBTA हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड उसके साथ लैब्स भी वर्किंग विद द गवर्नमेंट, द फेडरल गवर्नमेंट इज वेल, कि हमें फंडिंग दें सो दैट हम भी अपने सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर इन ऑल आर कोर्सेज बेसिकली जो है, एक तो हम कोर्स जो है वो CBTA के मुताबिक बनाए, 37 बना चुके हैं विद नैफटेक, बाकी 200 और आ रहे हैं अंडर द स्किल्स फॉर ऑल जो अभी हुनरमंद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च की है, एंड उसके साथ हमें लैब्स एंड इक्विपमेंट्स की अपग्रेडेशन कर लें सो दैट हम क्वालिटी जो है उसको इंश्योर कर सकें. उसके साथ जो दूसरा पार्ट हमारे नए विजन का, दैट इज़ बेसिकली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, यानी जॉब प्लेसमेंट्स एट द लोकल, इंटरनेशनल एंड एंटरप्रेन्योर लेवल. यानी कि पहले टेफ्टा जो है उसमें कोई मतलब कि करियर डेवलपमेंट डिवीजन ही नहीं थी. सो यू नो बच्चे जो यहाँ से पढ़ के बाहर जाते थे या कहीं अपना इंडस्ट्री वगैरह में, वी हैव नो डेटा, मतलब 20 साल का डेटा ही नहीं है बेचारे, भी ट्राई फिगर था आपके पास, इज नो डेटा अंटिल नाउ देयर इज, एंड अब हमने आगे शुरू किया है. आई मीन आपको पता ही नहीं है कि 7 से 8 बिलियन आपका बजट है, आप उन स्टूडेंट्स पे फ्री उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसके बाद उसका जो आउटपुट है वो तो आपको तभी पता चलेगा जब वो बच्चे बेसिकली किसी फैक्ट्री में गए, किसी इंडस्ट्री में गए, किसी दफ्तर में गए और उनको कोई नौकरी मिली है, किस लेवल की नौकरी मिली है. यानी हमारा मेजर तो हमारे स्टूडेंट, हमारा प्रोडक्ट है, वही आपका डेटा नहीं, तो हाउ कैन यू बेसिकली पोस्ट जो प्रोग्रेस वो आपके पास नहीं. एग्जैक्टली, तो उसके लिए आके हमने बेसिकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके तहत हमने शुरू किया, नया पूरा डिवीजन बनाया, एंड उसमें हम प्रोफेशनल्स जो है उनको लेके आए हैं, और वो अब हमारा डेटा मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बेसिकली बना रहे हैं. सो साथ ही हमने अपना जो GM प्लेसमेंट एंड देन DGM इंटरनेशनल, DGM लोकल, DGM एंटरप्रेन्योर, यानी कि अब हमने लोकल जो इंडस्ट्री है उसके साथ तो हमने ऑलरेडी कनेक्शन शुरू कर दिया, बल्कि हमने सेक्टर स्किल काउंसिल्स भी बना लिए हैं आउट ऑफ द 150 कोर्सेज, उनको बाइफोकेट किया 18 सेक्टर्स में, और उन सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, तो एप्टमा एंड डिफरेंट एसोसिएशन के साथ मिलके एक्सपर्ट्स हमारे और उनके, वो हमारे कोर्सेज देख रहे हैं, उनको बेसिकली जो डिमांड है जिन एम्प्लॉयमेंट की उनके पास, उसके मुताबिक वो कोर्सेज डिवाइज हो रहे हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स अब आइंदा से वही कोर्सेज करेंगे जिसकी डिमांड है. डिमांड, सो दिस इज वन, देन 18 अदर्स, एंड उसके साथ जो हमारा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन
एंड ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, उनके साथ हम बेसिकली MOU कर रहे हैं ताकि जो इंटरनेशनल डिमांड है, लाइक जापान के अंदर बहुत ह्यूज डिमांड है एंड दे आस्किंग फॉर यू नो लाइक पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, तो अब हम उनके मुताबिक उनकी स्पेसिफिकेशन विद देयर लैंग्वेजेस तैयार करके स्टूडेंट जो हैं देंगे, सो दैट दे कैन गो अब्रॉड एज वेल, नॉट जस्ट जापान बट अदर प्लेसेस, जो हम फॉरन ऑफिस के साथ भी मिलकर एक डेस्क क्रिएट कर रहे हैं ताकि कमर्शियल काउंसिल्स हमें इंटरनेशनल डिमांड दें कि जी क्या इस वक्त इस उनके ममालिक के अंदर डिमांड है, उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हम तैयार करें और अपने बच्चों को बाहर भेज सकें। अच्छा अली सुलेमान, उसमें दो चीज़ें मुझे अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ आपने एक किस्म का शेक हैंड किया और काउंसल्स जैसे आप बता रही हैं जैसा कि टेक्सटाइल का हो गया डिफरेंट, और इससे कुछ अच्छा काम भी होगा, अच्छे यानी कि लोगों को चीज़ें वो आपकी हेल्प भी करेंगे इसमें। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की सर बात करें, जैसे अभी आपने कहा जापान के पास आपके पास डिमांड आई है, लेकिन मैंने देखा है टेफ्टा बतौर अदारा यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं हुनरमंद हो के वो बाहर के वर्ल्ड में, चूँकि मैं खुद इंटरनेशनली काफ़ी वर्क कर रहे हैं, हम जाते हैं बाहर, एक तो बाहर से उनको वो सपोर्ट नहीं मिलती जो हमारे कमर्शियल काउंसलर्स की तरफ से और वहाँ से कुछ ऐसा नहीं है किसी जगह पर। इंडिया इसलिए हमारे से आगे है कि वहाँ के कमर्शियल काउंसलर्स जो है बहुत एक्टिव है, वहाँ से काउंसलर्स बहुत एक्टिव है, नंबर वन, ठीक है। सेकेंडली वहाँ उन बच्चों को जो यहाँ से जाते हैं उन बेचारों को गाइड नहीं किया जाता, ठीक है। उनको जॉब्स तो मिल जाती है या नहीं भी मिलती, वही वाली बात, आपके पास डाटा भी नहीं है कि भाई मिला है कि नहीं मिला, आप प्रिव्यू भी नहीं कर सकते उसको। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, नंबर एक, और उनकी सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज के वर्ल्ड में सेल्फ ग्रूमिंग, उसके ऊपर टेफ्टा क्या कर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने कहा, दिस इज समथिंग विच वॉज, दिस इशू वॉज रेज अगेन एंड अगेन बाय लॉट ऑफ पीपल। सो इस वक्त जो हमारे टेफ्टा का प्रॉब्लम है वो ये है कि पर्सनल ग्रूमिंग और जो ये एथिक्स हैं यानी सॉफ्ट स्किल्स, इन पर फोकस नहीं किया, बट वी अंडरस्टैंड बिकॉज हमारा अब हमने एक चैलेंज लिया है कि जी पहले सिर्फ हम स्किल देते थे, अब हम जॉब प्लेसमेंट भी करा के दे रहे हैं। सो व्हेन इट कम्स टू जॉब प्लेसमेंट ऑल दीज फैक्टर्स हैव टू बी यू नो लाइक टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो पर्सनल ग्रूमिंग का जो है, फॉर एग्जांपल वेयर इन पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशन रादर देन री इन्वेंटिंग द व्हील, जहाँ कोई अच्छी चीज़ हो रही है हम वहाँ फ़ौरन जाते हैं उनके साथ MOU करते हैं। अमन टेक एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन इन कराची हुआ बेसिकली गिविंग स्किल्स वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैव कम अक्रॉस, एंड वो अपने कोर्सेज जो उनके टेक्निकल एंड वोकेशनल साथ ही उन्होंने एम्बेड किए हैं सॉफ्ट स्किल्स, इसमें पर्सनल ग्रूमिंग आती है, एथिक्स आते हैं, लैंग्वेजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ड्राइवर्स जो हम 10,000 ड्राइवर्स ट्रेन करते हैं, दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट वी आर डूइंग इज कि उनको हम ग्रूमिंग के भी कोर्सेज करा रहे हैं कि अगर उन्हें बाहर जाना है, या ऊबर के साथ हमने कोलैबोरेट किया है कि जी हमारे उनको जो है वो प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, सो वो मिलके बेसिकली जो है उनको पर्सनल ग्रूमिंग, उनको फोन किस तरह यूज करना, यू नो सॉफ्ट स्किल्स, ऑल दीज थिंग्स, सो वो हम उसके ऊपर पूरा फोकस है। इनफैक्ट आई विल टेल यू व्हाट वन प्रोजेक्ट दैट वी आर लॉन्चिंग इज द न्यू टेफ्टा मैन। टेफ्टा मैन इज गोइंग टू बी एन ऐप जो फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ऊबर कि जी आपको गाड़ी चाहिए तो आप बेसिकली फोन पे जाके ट्रेस कर सकते हैं। टेफ्टा के पास इस वक्त यू नो 100,000 होते थे, हमने एडिशनल 100,000 स्टूडेंट हुनरमंद नौजवान के तहत ऐड कर लिया, यानी 2,00,000 स्टूडेंट टेफ्टा हर साल ट्रेन करेगा, स्किल देगा, उसमें कारपेंटर्स भी हैं, उसमें इलेक्ट्रिशियंस भी हैं, उसमें कुक्स भी हैं, उसमें ड्राइवर्स भी हैं एंड सो मेनी अदर्स, एयर कंडीशनर्स के जो ट्रेन यू नो प्रोफेशनल्स हैं वो भी हैं। सो हमने कहा कि यार जो इस वक्त इनको एक तो टेफ्टा के पास इतना डेटा अब हमारे पास आ रहा है और इतना मैन पावर है, व्हाई नॉट यूज़ देम बेसिकली एंड उनको एम्प्लॉयमेंट हम खुद क्यों ना जनरेट करें। तो हम वो एक ऐप बना रहे हैं टेफ्टा मैन के नाम की, कि जो बेसिकली ये सर्विसेज जो है वो देगा अक्रॉस पंजाब, उसका पायलट लाहौर में हो रहा है। आप एक ऐप टेफ्टा मैन के ऊपर जाएंगे, आपको कारपेंटर चाहिए तो आप कारपेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, सो आपके उस रेडियस के इर्द गिर्द कारपेंटर्स आ जाएंगे जो टेफ्टा के साथ हमारे अपने होंगे, एंड वो जाके बेसिकली जो है अपना काम करेंगे, दे विल कम बैक, दे विल स्टार्ट अर्निंग लाइक ऊबर एंड अदर एप्स, दैट्स व्हाट वी आर डेवलपिंग एट द मोमेंट। तो इमेजिन कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लाहौर, अब मैं बेसिकली आई नीड अ कुक, इट्स बीन अ मंथ सिंस आई वाज लुकिंग, यू नो वी कुडंट फाइंड वन, सो हमारे पास तो ऑलरेडी हैं, हमारे पास डेटा भी है, उनको सिर्फ बेचारों को कनेक्ट करना है एंड उनको हमने स्पेशल ग्रूमिंग जो है वो करानी है, उनकी पूरी यूनिफॉर्म्स बना के, सो दैट वे वो जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वहाँ से हम इन हाउस उसको ट्रेन करके विद अमन टेक एंड सम अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यू नो बेस्ट प्रैक्टिसेस बनी हुई हैं उनको यूज करके, दैट इज गोइंग टू बी अ मॉडल एंड दैट विल बी देन रेप्लिकेटेड अक्रॉस पंजाब। ओके, सो दैट इज लाइक यू नो वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स आवरसेल्व्स, सो दैट वंस यू नीड एन इलेक्ट्रिशियन, सो यू नो वो पूरा अपना डंगरी के अंदर होना, मोटर बाइक
विल गो देयर एंड जाके उसके कैमरा लगे हुए होंगे, वो चीज़ें बता रहा होगा बैक हैंड के ऊपर, यहाँ उसको सपोर्ट मिल रही होगी, सो दैट एक सर्विस जो है वो दे सकें, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें एंड यू नो टेफ्टा जो है वो बेसिकली सपोर्ट कर सके अपने एम्प्लॉयज़ को। अली सुलेमान, ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं आप लोग, ये कब तक एक्सपेक्टेड है? ये सर हमारा बेसिकली मार्च जो है उसके अंदर हम डायरेक्टली अच्छी यानी कि लोगों को सर्विसेज मिलेगी, ये exactly. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल सर मार्केट के लिए क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी डिमांड है, ह्यूज डिमांड है वर्ल्ड में। देखिए बेसिकली सबसे बड़ी जो इस वक्त आपको पता है इकोनॉमिक ग्रोथ मुल्क की जो है वो उस लेवल पे नहीं है, 2-2.5% है, तो जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होनी जॉब्स उतनी क्रिएट नहीं होनी, तो उसका हल क्या है कि आपने बेसिकली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके देखना है कि आप किस तरह उनको फैसिलिटेट कर सकती हैं। सो हमारा एक तो डायरेक्टली हमने खुद भी शुरू किया है, लाइक कैनेडा के साथ यू नो द काउंसिल जनरल यू नो स्पोकन, उन्होंने कहा जी हमें ट्रक ड्राइवर्स की बड़ी ज़रूरत है। सो यू नो एक तो हम इनिशिएटिव खुद ले रहे थ्रू आर न्यू करियर डेवलपमेंट डिवीजन, जहाँ वी हैव आर DGM इंटरनेशनल जो कि बेसिकली इस चीज़ को सारा देख रहा है, एंड दूसरा विद द फॉरेन एम्बेसी एंड विद द अपना इमिग्रेशन ब्यूरो जुल्फी बुखारी साहब जो है इज ऑल्सो हेल्पिंग अस ऑन दैट, वो बड़ा पॉजिटिवली इस चीज़ को जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं, हम उनके साथ पार्टनरशिप के अंदर जा रहे हैं, सो दैट हमें डिमांड जो है वो उधर से आएगी और स्पेसिफिकेशन उसके बाद हमने तैयार करना है उन बच्चों को और बाहर भेजना है। तो हमने इसको प्लान किस तरह किया है कि जो हमारा नया करियर डेवलपमेंट डिवीजन है वो अब टाया पूरा 36 डिस्ट्रिक्ट जो हैं पंजाब की, उधर करियर हर डिस्ट्रिक्ट में हम टू स्टार्ट ऑफ विद एक करियर डेवलपमेंट एंड जॉब प्लेसमेंट सेंटर बना रहे हैं विद ट्रेन पीपल, और लम्स के साथ हमने कोऑर्डिनेशन करके उनकी बेसिकली पहली दफ़ा MOU किया, सो दे आर मेकिंग एप्टीट्यूड टेस्ट एंड उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह जो है वो बना रहे हैं। लाइक आई सेड वी आर टोटली फोकस्ड ऑन पार्टनरशिप्स कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर, वो लोग हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, वी हैव डन इट विद यू नो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, वी हैव डन इट विद FC कॉलेज, NCA के साथ में गोइंग, UK की SERC है वन ऑफ द टॉप 20 टेक्निकल, उनके साथ NewTek बेसिकली इस्लामाबाद, सो वेर यू नो गैदरिंग ऑल द सपोर्ट थ्रू पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशन विद एकेडेमिया थ्रू अपना बिजनेस मॉडल, सो दैट हम इनको यूज करके टेफ्टा के स्टूडेंट्स को यू नो पूरी दुनिया में भेज सकें। तो वो करियर डेवलपमेंट डिविजन जो हैं एंड जॉब प्लेसमेंट सेंटर्स, वो जब स्टूडेंट जाएगा तो वो पहले ही उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लेके पूछ लेंगे भाई क्या करना चाहते हो, उसका क्या लेवल है बेसिकली इंग्लिश का, और उसने अगर बाहर जाना है तो उसको पहले ही बता दें जापान में ये नौकरी है वेल्डर की, उसकी डिमांड हमारे पास हो, सो वी कैन बेसिकली टेल हिम के उसने अगर करना है जापान तो हम पहले से उसको जापानीज कोर्स साथ करा दें, रादर देन कि वो कोर्स करे बेचारा खत्म करे फिर, तो हम पहले ही डिमांड उनके साथ मिलके अपने डेटाबेस में डाल के अक्रॉस पंजाब जो है वो हमारे जो नए ट्रेन करे पाथ्स के जो हमारे प्रोफेशनल्स होंगे वो वहाँ उन स्टूडेंट से जाते ही पहले ही पूछ लेंगे कि कहाँ जाना चाहते हो, लोकल इंडस्ट्री में काम करना है या आपने बेसिकली इंटरनेशनल जाना है, और अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप जो हमने एक नया सेक्शन शुरू किया है वो भी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर एट लम्स के अंदर, इस वक्त 30 स्टूडेंट्स टेफ्टा के ट्रेनिंग हो रही है उनकी एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारे कोर्सेज खत्म कर रहे थे एज अ पायलट, एंड वंस दैट इज सक्सेसफुल वो हम पूरे पंजाब में बेसिकली रोल आउट कर लेंगे। सो दैट इज़ आर फोकस बेसिकली कि बाहर के लिए भी हम पहले से ही डिमांड जो है वो लेके उनको ट्रेन करके वो लैंग्वेज दें ग्रूमिंग करके बाहर भेजें। बहुत अच्छे जी नाज़रीन, ये है अली सुलेमान हमारे साथ। जी अली सुलेमान, थोड़ा सा जानेंगे ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में आपकी पर्सनल कहानी, कि लोग जानना चाहेंगे अली सुलेमान कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, मैं तो जानता हूँ सब, लेकिन व्यूअर्स को बताना ज़रूरी है, थोड़ा सा बताइए कि आपकी एजुकेशन कहाँ हुई, क्या बैकग्राउंड है, और सियासी तौर पर फिर आप यहाँ टेफ्टा तक कैसे पहुँचे प्लीज़। मेरी स्कूलिंग एडसन कॉलेज लाहौर में हुई एंड माय विलेज इज शेखुपुरा बट वी लिव्ड इन लाहौर, माय लाइफ माय फादर इज़ अ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, एंड एडसन से अपना पढ़ने के बाद आई वेंट टू इंग्लैंड यूनिवर्सिटी ऑफ सासेक्स, वहाँ आई वेंट टू डू इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, तो वो मैंने अपना 3 साल की बैचलर्स की, एंड वहाँ मैं आई वॉज ऑल्सो द क्रिकेट कैप्टन ऑफ द यूनिवर्सिटी, सो क्रिकेट तो मैं एडसन में भी कैप्टन था एंड आई वन द फुल कॉलेज ब्लेजर फॉर स्पोर्ट्स, सो क्रिकेट वॉज लाइक यू नो पढ़ाई वॉज secondary cricket was more important at that time. So Sussex ke karne ke baad I realized that mujhe law jo hai wo karni hogi because I have always wanted to be in one way or the other to be a part of the politics. Maybe it was because of my father being in government and I saw him doing a lot of development work wherever he used to go, you know, to development bada karte the. So I was like, you know, very curious about this, like, you know, development side.
सो जब मैंने सासेक्स में डेवलपमेंट पढ़ी तो आई रियलाइज कि यार दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू गो बैक टू पाकिस्तान एंड उसके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ इन माई विलेज बेसिकली इन माई यू नो एरिया शेखुपुरा. तो वंस आई डिड दैट देन द अदर डिग्री दैट आई वेंट फॉर राइट अवे वाज लॉ. सो फ्रॉम द स्कूल ऑफ लॉ आई डिड माई बैचलर्स इन लॉज कॉल्ड सी पी. वो एक साल में होती है इफ़ यू हैव अ बैचलर्स इन डिफरेंट डिसिप्लिन. एंड वंस आई डिड दैट तो मैं बार के अंदर अपना गया बट साथ ही मुझे LLM एक लॉ एंड डेवलपमेंट में यूनिवर्सिटी वॉरिक के अंदर ऑफर हो गई. सो व्हेन आई वेंट देयर आई रियलाइज के यार दिस इज एग्जैक्टली यू नो पहली एंड सेकंड इकोनॉमिक्स एंड लॉ एंड देन यू नो गेटिंग अ मास्टर्स. सो देन आई वेंट टू वॉरिक एंड आई स्टडीड फॉर लॉ एंड डेवलपमेंट बिकॉज पैशनेट था डेवलपमेंट का. वो करके आई केम बैक आई वॉन्ट टू वर्क विद वर्ल्ड बैंक एंड दीज डोनर एजेंसीज बट व्हेन आई केम बैक आई मेट देम एंड स्टफ. तो आई रियलाइज के यार वो मुल्क से बाहर ज़्यादा होगा but I was more focused on my area and my you know country. So wo maine I started my practice as a lawyer with Umar Bandial sir and saath hi maine basically apne halke mein jana shuru kiya. Tab to halka nahi tha, main the one in my family is in politics. So main wahan gaya apna jaake maine dekha ki wahan ke logon ke kya problems hain. So usko zara technically maine solve karne ki koshish ki demand based development. Maine kaha log bataen kya issues hain unko resolve karte hain and let's make एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक एरिया लेके वहाँ लोगों के काम करने की कोशिश करते हैं एंड अगर वो काम हो गए फिर इलेक्शन लड़के देखते हैं अगर जीत गए तो ठीक है. ये वो पॉलिटिकल फैमिली था नहीं, मैंने कहा लेट्स डू इट एज अ यू नो अपना इसको एक केस स्टडी ले लेते. मैंने काफ़ी काम किया, मेहनत भी की, अपनी लॉ प्रैक्टिस भी करा था. देन वीकेंड्स पे आई टू गो टू शेखुपुरा विच इज़ वन आवर अवे, इट वाज इजी फॉर मी एंड लाइक पीपल प्ले गोल्फ आई वाज डूइंग पॉलिटिक्स एंड डूइंग डेवलपमेंट वर्क. सो वो अल्लाह करम है बिकॉज ब्यूरोक्रेसी से मेरी फैमिली मुंसलिक थी, सारे सेक्रेटरीज जानने वाले थे, तो लॉट ऑफ वर्क जो था वो डेवलपमेंट का मैं करवा गया. सो 2008 के अंदर यू नो आई वाज गोइंग टू फाइट द इलेक्शन बट माय फादर बिकेम द चीफ सेक्रेटरी एंड वो तो इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सो आई वाज मेड टू रिजाइन एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बट आई स्टिल यू नो हैड टू ओबे व्हाट ही सेड. बट इन 2013 ही हैड रिटायर्ड बाय देन एंड आई वाज बेसिकली के नाउ आई एम गोइंग टू रियली गो अहेड एंड यू नो जो मैंने इतना काम किया उसके ऊपर लेट्स सी कि लोग क्या रिस्पांस देते हैं. आज़ाद गढ़ा पहला इलेक्शन और आपको पता है उस वक्त PMLN की हवा क्या थी. मेरे ही हल्का लाहौर डिवीजन और लाहौर डिवीजन में मतलब मेरा वो था बट अल्लाह का करम है आई वन द इलेक्शन फॉर 25,000 प्लस वोट्स एंड इंडिपेंडेंट जीत के मैं असेंबली में आ गया पंजाब की. और जब मैं आया तो अपना आपको पता है एक पार्टी लीग जो 2/3 मेजोरिटी ले गई थी एंड मेरा दिमाग उनसे मिलता नहीं था. मतलब इट वाज डिफरेंट माइंडसेट से आए थे जी. सो आई स्टेड इंडिपेंडेंट, आई वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू 2-3 पीपल हु जस्ट स्टेड इंडिपेंडेंट. मैंने कहा लेट्स सी बेसिकली कि आगे किस तरह चलता है, कैसे ये गवर्नमेंट चलती है. फिर उसके साथ हालांकि आपके फादर तो बड़े करीब और रहे हैं PMLN के साथ बेसिकली, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा प्रेशर तो होगा उनकी तरफ से भी. नहीं, वो ही वाज अ ब्यूरोक्रेट एंड यू नो लाइक जस्ट गवर्नमेंट ही सर्वड द गवर्नमेंट व्हिचएवर इट वाज. इवन पीपल्स पार्टी वाज ऑन टॉप पोजीशंस क्यू के अंदर भी. उनकी तरफ से प्रेशर वॉज नेवर देयर बिकॉज़ ही वांटेड मी टू बी अ प्रोफेशनल लॉयर रादर देन इन पॉलिटिक्स. सो ये मेरा पैशन था जो आगे आ रहा था. तो ही सेड इट्स अप टू यू व्हाटएवर यू वांट टू डू. सो वो आफ्टर 2 years देन यू नो लाइक बिकॉज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो ही न्यू हिम सिंस चाइल्डहुड, ही इज माय फादर्स क्लास फेलो एज वेल इन एडसन. सो ही सेड, मैंने कहा जी आई एम वेटिंग, आप कहेंगे तो मैं कर दूंगा. बिस्मिल्लाह जॉइन द सेम डे आई जॉइन PTI. Good. So since then I've been with PTI and this time I fought the National Assembly election, got 65,000 plus votes but I lost. So wo Prime Minister sahab jo hain, because Imran Khan sahab ke saath discussions wagera bhi hoti thi, to he basically said that go and you know join this department as skill ko focus karo because that's very close to him. And aage ka jo future hai Pakistan ka wo skill based hai. It has to be skill. Agar aapne jo CPEC bhi aa raha hai, जो आप 4th generation इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, जो सारी इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, अगर आपका वो आप वहाँ उस लेवल का स्केल ही नहीं देंगे तो फिर बाहर से लोग आके वहाँ काम करेंगे. सो दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, जिसको देखते हुए हमने बेसिकली जो 1 लाख स्टूडेंट को 2 लाख कर दिया आते ही माई 4 months 1 लाख ऐड कर लिया. यानी कि अब हमारा जो 4 साल का हमने जो नया विजन दिया 2023 का, उसके अंदर हम 8,75,000 स्टूडेंट्स को क्वालिटी ट्रेनिंग दे के जॉब प्लेसमेंट्स पर जो है लगाना. That is CPEC के हमने कोर्सेज जो हैं
वो डिवाइस कर ली और अब हम उनके साथ कनेक्ट करके जो डिमांड आ रही है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की उधर भी टेफ्टा के इंस्टीट्यूट क्रिएट हो रहे हैं और उनकी जो डिमांड है और जो हमारे ऑलरेडी सेटअप्स हैं उसके अंदर भी हम उनकी जो ट्रेनिंग्स है वो शुरू करा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडस्ट्री. सो इट इज ऑल नाउ डिमांड ड्रिवन, डिमांड बेस्ड ट्रेनिंग्स. जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके मुताबिक, उसके स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो तैयार कर रहे हैं. गुड अली, बल्कि आपने किसी इंटरव्यू में ये भी सुना था मुझे, मैंने कि भी आप कोई एम्बेसडर्स, टेफ्टा एम्बेसडर्स वर्ल्ड में पॉइंट कर रहे हैं, वो क्या है थोड़ा सा बताइएगा. बेसिकली जो हमारे अपना, बिकॉज देखें सबसे बड़ा जो मैंने आके यहाँ एक गैप एनालिसिस करा है जी जी, कि यार क्या प्रॉब्लम्स हैं टेफ्टा के अंदर, यू नो जो बाकी दुनिया के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, वो हमने वो गैप एनालिसिस के अंदर जो है सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो परसेप्शन का है. अभी भी हमारे जो कोर्सेज हैं उनकी परसेप्शन आवाम में नहीं है. जिस तरह फॉर एग्जांपल अपना कारपेंटर्स हैं, दे आर मेकिंग मोर मनी देन एमबीए ग्रेजुएट्स, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड लाइक कि बड़ी अट्रैक्टिव कोई जॉब है. इलेक्ट्रिशियंस दुनिया में जाए तो वो एक और लेवल के ऊपर है. तो उस परसेप्शन को चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन यूनिट बनाया जो कि सोशल मीडिया के थ्रू भी यू नो सक्सेस स्टोरीज वगैरह भी करे एंड उनके साथ बेसिकली हम उन लोगों को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाएं ताकि वो अट्रैक्टिव हो वो फील्ड्स लाइक फैशन डिजाइनिंग. तो यू नो लाइक गॉट डिजाइनर्स HSY एंड यू नो ऑल दीज अदर्स, वी स्पीकिंग टू देम कि यू कम इन एज अ ब्रांड एम्बेसडर एंड यू नो लाइक उसको टेफ्टा के उसको देखें. ऑस्कर विनर शर्मीन उबैद, यू नो वी आस्क्ड हर कि जी आपको मीडिया का कोई कोर्स है वो आप बनाएं एंड हमारे सक्सेस स्टोरी सम ऑफ द पीपल जो टेफ्टा से गए वो जिंदगी में अच्छा भी कर रहे हैं. ये नहीं कि टेफ्टा में सब कुछ खराब था, टेफ्टा में सम ऑफ द थिंग्स वर वेरी गुड बट ओवरऑल एक इमेज खराब था. उस इमेज को बेहतर करने के लिए टेफ्टा के ग्रेजुएट्स अब वो PGA जो प्रिंटिंग एंड ग्राफिक के अंदर वो देयर इज वन पर्सन नाउ हु इज हेडिंग द एसोसिएशन जो टेफ्टा का स्टूडेंट रहा. सो उनको हम बेसिकली ला रहे हैं कि यू बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर. सो उसको हम ब्रांड एम्बेसडर्स ओवर हियर एंड देन वी आर मेकिंग इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ हमारे लोग इंटरेस्टेड हैं, जो कनेक्टेड हैं, जो हमें वहाँ की एक्रीडेशन या उनकी जॉब मार्केट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो बेसिकली प्रो बोनो बेसिस के ऊपर हम वो भी बेसिकली अपॉइंट करना शुरू किया. अभी तो आपकी गवर्नमेंट का बल्कि स्लोगन भी है, रोटी कपड़ा मकान के बाद इंटरनेट जी. तो इंटरनेट के हवाले से भी आप कुछ कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं. जी जी एग्जैक्टली, हमने बेसिकली जो सबसे पहले अपना पहले ई रोजगार का एक जो है वो चल रहा था एंड माइक्रोसॉफ्ट के साथ पहले टेफ्टा ने एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ. इनफैक्ट वो टेफ्टा के जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉप के ऊपर आए हैं. अच्छा, इस वक्त पूरी दुनिया के जो जहां उन्होंने कोर्सेज कराए हैं. सो वो हमने माइक्रोसॉफ्ट वालों को कहा है कि वो आप अपनी वेबसाइट पर डालें. अगर आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, यो से जो टेफ्टा जी माइक्रोसॉफ्ट के जो हमने कोर्सेज कराए थे मेरे से पहले जी जी अपना, तो उसकी जो रिपोर्ट आई है वो बहुत पॉजिटिव आई है फॉर टेफ्टा स्टूडेंट. उसको हमने इनिशिएट किया, 50,000 इस साल भी हम ऐड कर रहे हैं बल्कि कर दिया हमने जो हमारे स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन की कोर्सेज करेंगे. तो उसके साथ जो हमने एक नई चीज़ शुरू की है वो एक्सट्रीम कॉमर्स है, अपना जो ई कॉमर्स की एक प्लेटफॉर्म है. मलेशियन पाकिस्तानी बेस्ड, ही इज़ बेसिकली वन ऑफ द टॉप इस वक्त ई कॉमर्स गाइज इन द वर्ल्ड और वो लेक्चर्स देते हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. मैंने उसको फेसबुक से कनेक्ट किया, ही केम ओवर टू पाकिस्तान एंड ही डिवाइस्ड अस अ न्यू प्रोग्राम विच इज़ कॉल्ड द वर्चुअल असिस्टेंट. यानी कि वो Amazon, eBay और Walmart के ऊपर ट्रेडिंग कर सकेंगे इस 6 महीने के कोर्स के बाद और इनकी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए. यानी कि 10,000 स्टूडेंट हम एक साल में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए तैयार करेंगे एज वर्चुअल असिस्टेंट और वो वंस दे पास द टेस्ट दे विल गो ऑन इस प्लेटफॉर्म. सो 10,000 जॉब्स तो ऑलरेडी हम साइन कर चुके हैं. बड़ा काम है, अगर ये हो गया तो ये तो बहुत बड़ी यानी पे यहाँ पे क्रिएशन हो जाएगी सर. और पाकिस्तान इज द फोर्थ और द थर्ड लार्जेस्ट इन फ्रीलांसिंग, नो डाउट. एंड सिंस आई गॉट टू नो आई हैव टोटली फोकस्ड आवरसेल्व्स नाउ ऑन दिस बेसिकली पर्टिकुलर फील्ड एंड उसको यू नो पाकिस्तानीज अक्रॉस द वर्ल्ड मैं जिनसे कनेक्ट कर रहा हूं इट्स अनबिलीवेबल. टिल नाउ ये सब फ्री है, मतलब टेफ्टा इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एवरीवन हु इज कमिंग ऑन बोर्ड इज गिविंग अस फ्री कंसल्टेंसी, फ्री सर्विसेज. हमने पैसे खर्चे नहीं है, सिर्फ होने में नौजवान पे 1,00,000 स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट गेव अस 1.5 बिलियन जो हमने 15,000 पर स्टूडेंट एक साल में एवरी ईयर तैयार करने हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट द 25+ MOUs दैट आई साइन सिंस आई बीन हियर, यू नो एवरीथिंग इज बीइंग सपोर्टेड बाय अपना द प्राइवेट सेक्टर. हमारे ड्राइवर्स 10,000 जो है हर साल होते थे, अब हमने उबर के साथ साइन किया तो उनकी ग्रूमिंग भी और उनको वो प्लेटफॉर्म भी, यानी 10,000 स्टूडेंट पास अपॉर्चुनिटी है कि वंस दे डू देयर कोर्सेज उनको ट्रैफिक लाइसेंस भी मिल जाएगा
और साथ वो बेसिकली ऊबर के प्लेटफॉर्म पे उनको नौकरी भी मिल जाएगी। तो ये हमारा नया मॉडल एंड टू एंड, कि हम टॉप स्किल देंगे, एक्रेडिटेशन के साथ देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे कि आपने इधर काम करना है, बाहर करना है या अपना बिजनेस शुरू करना है। अपना बिजनेस शुरू करना है तो लम्स के साथ अगेन नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के ऊपर 30 टेफ्टा के स्टूडेंट्स आर बीइंग ट्रेन्ड एट द मोमेंट। यानी कि हमने जो बेस्ट इस वक्त फैसिलिटी पाकिस्तान में अवेलेबल है उनके साथ मिलकर कोलैबोरेशन की है एंड दे आर सपोर्टिंग अस फ्री ऑफ कॉस्ट। चेयरपर्सन साहब, आपने बातें बहुत अच्छी की और हम भी इसके ऊपर फॉलोअप रखेंगे, आपको याद भी दिलाते रहेंगे। और प्राइम मिनिस्टर का जैसे विजन है कि स्किल्स पर्सन को मैक्सिमम प्रमोट किया जाए वर्ल्ड में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें, आपके सुन के सारे ख्यालात। कोई ख़ास मैसेज जो आप देना चाहे एशियन ट्रेड टीवी के हवाले से, ताकि वैसे तो आपका पूरा यानी इंटरव्यू मैसेज है, तो कोई एक खास वर्ड्स आप कहना चाहे अपनी लोगों को तो बता सकते हैं। बेसिकली व्हाट वी वुड लाइक टू से इज के टेफ्टा इज नाउ एन इंस्टीट्यूशन एंड 200,000 प्लस स्टूडेंट्स को हम कर रहे हैं। सो यू नो बी अ पार्ट ऑफ अस एंड हेल्प अस, यू नो सपोर्ट अस। यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी थ्रू ईमेल्स। कोई अपॉर्चुनिटीज जॉब्स की बाहर मुल्कों के अंदर अगर निकल रही हो, कोई पाकिस्तान के अंदर हो विद द प्राइवेट सेक्टर, यू कैन कनेक्ट मी थ्रू ईमेल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, आई एम हियर। सो यू नो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, स्किल देने की और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। कम एंड सपोर्ट अस, इंशाल्लाह लेट्स मेक इट इनटू यू नो लाइक अ हुनरमंद पाकिस्तान। जी बिल्कुल नाज़रीन, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। ये थे अली सुलेमान, चेयरपर्सन टेफ्टा पंजाब। आपने जाने के ख्यालात ख्वाबों से तबीर तक के इस प्रोग्राम में। मुझे उम्मीद है कि टेफ्टा नो डाउट अपनी रवायत को बरकरार रखेगा और इन्हीं के दौर में ये सब चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। मिलते हैं अगले सफर में एक नई पर्सनैलिटी के साथ। थैंक यू अली। अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ।